विराट कोहली की टीम आरसीबी और केएल राहुल की पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच में विवाद भी देखने को मिला। बेंगलोर की पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पंजाब के कप्तान राहुल भड़क गए। इस बात को लेकर हुआ बवाल। आरसीबी की बैटिंग के दौरान 8वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने रिवर्स शिप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को छूते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में आ गई। अंपायर ने पडिक्कल को दिया नॉट आउट। वीडियो रिप्ले देखने पर गेंद देवदत्त पडिक्कल के दस्तानों को छूती हुई नजर आ रही थी। केएल राहुल ने जोरदार अपील की, लेकिन फील्ड अंपायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और पडिक्कल को नॉट आउट करार दिया गया। अंपायर पर भड़क गए केएल राहुल। केएल राहुल ने इसके बाद रिव्यू किया। थर्ड अंपायर ने भी देवदत्त पडिक्कल को नॉट आउट दे दिया। इस पर पंजाब किंग्स के कप्तान बुरी तरह भड़क गए और फील्ड अंपायर के पास पहुंच गए। क्रिकेट फैंस भी इस फैसले से खुश नहीं दिखे। हर रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।